नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रियो कैड ट्यूटोरियल्स में। यह है ऑटो कैड टूडियो प्रैक्टिस ड्राइंग एक्सरसाइज नंबर 18। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर एक सिंपल डायग्राम है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डायग्राम को एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं इसके स्टेप्स। सबसे पहले हम डायमीटर 44 और डायमीटर 60 के सर्कल से स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ हम डायमीटर 8 का सर्कल एरिया पोलर कमांड से निकालेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम ऊपर की तरफ 64 यूनिट्स पे एक रेक्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसकी लेंथ होगी 74 यूनिट्स और रेडियस होगी 8 यूनिट्स। हम सेम सेंटर पॉइंट से रेडियस 22 का एक सर्कल बनाएंगे और ऊपर 54 यूनिट्स पे हम दो सर्कल बनाएंगे जिसकी डायमीटर होगी 16 और 36। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 66 यूनिट्स और उसे फिलेट कमांड की मदद से जोड़ेंगे और रेडियस होगी रेडियस 20 और रेडियस 56। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद हम सबसे आखिर में फिलेट कमांड से रेडियस 22 का ये आर्क बनाएंगे और सबसे लास्ट में हर बार की तरह डायग्राम को सेंटर मार्क अप्लाई करेंगे। तो फिर चलिए स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए सर्कल कमांड, डायमीटर एंटर कीजिए 60 यूनिट्स। अगेन सर्कल कमांड लेने के लिए स्पेस बार एंटर कीजिए और डायमीटर 44 का पिच सर्कल निकालिए। ओके, तो हमारा पिच सर्कल बन चुका है, अब उसे सेंटर लाइन में कन्वर्ट कीजिए। ओके, अब हम डायमीटर 8 का सर्कल निकाल लेते हैं। अब लीजिए एरे पोलर कमांड, उसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कीजिए। यहाँ पे आइटम्स का नंबर है 12, तो 12 आइटम्स एंटर कीजिए। और एरे पोलर कमांड क्लोज कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है जो कि 64 यूनिट्स पे हमें रेडियस 8 का सर्कल निकालना है। तो पहले सर्कल निकाल लीजिए और उसे मूव कमांड की मदद से 64 यूनिट्स ऊपर ले जाइए। सेम सर्कल कॉपी कीजिए 74 यूनिट्स पे। अब हमें निकालना है रेक्ट्रैक, तो लाइन कमांड की मदद से निकाल लीजिए और ट्रिम कमांड की मदद से ये अनवांटेड एंटिटीज निकाल लीजिए। ओके, अब सेम सेंटर पॉइंट पे हमें निकालना है रेडियस 22 का सर्कल। सेम सर्कल अपोजिट साइड में है, तो आप पॉली लाइन कमांड लीजिए और यहाँ से रेक्ट्रैक कंप्लीट कीजिए। अब राइट क्लिक करके आर्क ऑप्शन लीजिए और डायमीटर 44 एंटर कीजिए। ओके, अब हमें निकालना है 54 यूनिट्स ऊपर ये डायमीटर 16 और डायमीटर 36 का सर्कल। तो प्रीवियस सेंटर पॉइंट पे आप सर्कल निकाल लीजिए और उसे मूव कमांड की मदद से ऊपर ले जाइए। यूनिट्स एंटर कीजिए 118 और उसे 33 यूनिट्स लेफ्ट साइड में मूव कीजिए। ओके, तो हमारा पहला सर्कल मिल चुका है। अब अगेन सर्कल कमांड लीजिए और डायमीटर 36 का सर्कल निकाल लीजिए। अब यहाँ पर 10-10 रेडियस सर्कल कमांड से आप रेडियस 22 का सर्कल निकाल लीजिए। रेडियस एंटर कीजिए 22 यूनिट्स। ओके, अब ट्रिम कमांड का यूज़ करके उसके एक्स्ट्रा एजेस निकाल लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें सेम साइड अपोजिट साइड में भी बनानी है, तो उसके लिए हम मिरर कमांड का यूज़ करेंगे और ये सर्कल और आर्क मिरर करेंगे। सेंटर लाइन चूज कीजिए। ओके, तो हमारे दोनों साइड बन चुके हैं। अब हम फिलेट कमांड का यूज़ करके ये रेडियस 20 का आर्क बनाएंगे। अब हमें निकालना है इसके बाद रेडियस 56 का आर्क। इसके लिए हम यूज़ करेंगे 10-10 रेडियस सर्कल कमांड। दोनों टेंजेंट पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और रेडियस एंटर कीजिए 56 यूनिट। अब ट्रिम कमांड से उसके एक्स्ट्रा एजेस निकाल लीजिए। इसके बाद हमें निकालने हैं टेंजेंट लाइंस, तो लाइन कमांड लीजिए और शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए, टेंजेंट ऑप्शन लीजिए। अगेन शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और टेंजेंट पे क्लिक कीजिए। सेम लाइन मिरर कमांड से अपोजिट साइड में बनाइए। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट है। अब लास्ट स्टेप है जो कि डायग्राम को सेंटर मार्क, लेकिन यहाँ पर हमें सेंटर लाइन क्लियरली शो नहीं हो रही है, तो हमें लाइन का स्केल चेंज करना होगा। तो कमांड लीजिए LTS और लाइन टाइप स्केल चेंज कीजिए। अब हमें लाइन की स्केल क्लियरली शो हो रही है। अब हमें पिच सर्कल को सेंटर में कन्वर्ट करना है, तो मैच प्रॉपर्टी कमांड लीजिए
और उसे सेंटर लाइन से मैच कीजिए। ओके, अब हमें डायमीटर 8 के सर्कल को सेंटर लाइन निकालनी है, तो सबसे पहले एक लाइन निकाल लीजिए और उसे एरे पोलर कमांड की मदद से उसके मल्टीपल कॉपीज बनाइए। एरे पोलर ऑप्शन लीजिए। ओके, अब यूनिट सेंटर कीजिए 12। ओके, अब हमारे सारे सर्कल को सेंटर लाइन आ चुकी है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है जो कि है डायमेंशन। तो एक एक करके सभी डायमेंशन मेंशन कीजिए। सबसे पहले लीजिए लीनियर डायमेंशन। अगर आपको किसी स्टेप्स को लेकर डाउट है तो बेशक आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद है आप भी इसे बनाने के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपके पास ऐसे अच्छे और भी ड्राइंग्स है तो बेशक आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज 15 अगस्त तारीख है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।